नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बज मीडिया में। दोस्तों, WhatsApp स्टिकर फीचर अभी कुछ दिन पहले ही जारी हुए हैं। यूजर्स द्वारा इन स्टिकर्स को काफी पसंद भी किया जा रहा है, लेकिन साथ ही इन पर विवाद भी शुरू हो गया है। इस कड़ी में Apple अपने App Store से WhatsApp स्टिकर ऐप को डिलीट कर रही है। यह जानकारी WhatsApp के फीचर पर नजर रखने वाली वेबसाइट WABETAINFO ने दी है। इस वेबसाइट ने इस संबंध में कई ट्वीट भी किए हैं, जिनमें बताया गया है कि आखिर किस वजह से यह कदम उठाया जा रहा है। WABETAINFO के अनुसार एप्पल ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि ये सभी व्हाट्सएप स्टिकर उसकी गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। इस बारे में वेबसाइट ने बताया कि ऐप स्टोर पर पहले से ही ऐसे कई ऐप हैं और इन सभी ऐप्स का डिजाइन एक जैसा है। वेबसाइट ने बताया कि इन स्टिकर्स के लिए व्हाट्सएप को इंस्टॉल करना आवश्यक है, जबकि ऐप्स को दूसरे ऐप की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बता दें कि हाल ही में व्हाट्सएप ने स्टिकर्स वाले इस फीचर को जारी किया था। इस फीचर की मदद से फेसबुक मैसेंजर की तरह ही आप व्हाट्सएप पर भी स्टिकर्स अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। दिवाली से ही इन स्टिकर्स का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है और ये यूजर्स को बहुत पसंद भी आ रहे हैं। नए फीचर के आने के बाद यूजर्स की चैटिंग का मजा बढ़ गया है। बता दें कि व्हाट्सएप स्टिकर फीच इमोजी सेक्शन में मिलते हैं। इमोजी और GIF के साथ ही यहाँ स्टिकर का भी विकल्प मिलता है, लेकिन इसके लिए आपके पास व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। तो दोस्तों, इस ऐप के जाने से आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें।